कोई कहानी नहीं करो, शक्ल अच्छी नहीं आ रही। अब शक्ल जैसी है, देखो जैसी शक्ल है फोटो वैसी आएगी, वीडियो वैसी आएगी। तो अभी ये देखो करेले का पकोड़ा ऐसा होता है दिखने में। अब पकोड़ा तैयार है। तो नमस्कार जी, दिल्ली वालों और एनसीआर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। बहुत सड़ी हुई गर्मी के बाद बारिश आ गई है और मैं ऑफिस से आ रहा था, एकदम से बारिश आ गई। मतलब मैं जब निकला था बारिश थी, मैं रुक सकता था लेकिन मैं रुका नहीं क्योंकि मुझे बारिश में नहाना था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सच में मैं बारिश में नहाया हूँ, पूरा गीला हो गया हूँ, जीन्स गीली हो गई, जूते गीले हो गए। मैंने फोन रख दिया था अपने डिक्की में और मजे से आया भाई स्कूटी पे, मजे मारते हुए, बहुत मजा आया। लेकिन डर बहुत लग रहा था, बिजली जो थी ना इतनी भयंकर कड़क रही थी कि मुझे बार बार ये लग रहा, मैंने कहीं आ ना जाए। देखो ये बार बार मेरे को दिख रहा है, बार बार मेरे को लग रहा था बिजली ना कड़क जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भाई खामखा गिर गिरा जाए बिजली। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है, तो इसलिए मेरे को डर भी लग रहा था। पूरे रास्ते भगवान का नाम भी लिया है लेकिन मजा है। अब ड्रेस चेंज करते हैं, अब जरा कुछ देखते हैं तैयारी क्या है, बारिश आई बड़े दिनों बाद। अरे आप क्या कह रहे हो, बोलो। गीली हो गई बाल लड़के गए। अरे ये भी ये बारिश में गीला हो गया क्या? और क्या? अरे इसको फिर पहुंचो यार, ये भी आप भी बारिश में गीले हो गए। बारिश में गए थे? ये देखो गीले हो क्या है? इसको टॉवल से साफ करो। देखो काला काला कैसे हो रहा है, काला काला कैसे हो रहा है वो गोलू। बारिश का टाइम हो और हमारे घर में पकोड़े ना बने, ऐसा तो नहीं हो सकता। कौन से पकोड़े बना रहे हो मम्मी? आलू के, गोभी के, प्याज के और मैंने कुछ करेले के भी पकोड़े बनाए आज। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे करेले के बनाओगे? बना दिए हैं, करेले के भी हैं। बना दिए? हाँ, तुम खा के बताना कैसे हैं। ये दिखने इधर, ये थंबनेल ले लूँ वीडियो के लिए, ये लगा दूंगा। शक्ल तो अच्छी नहीं आई। क्या करो, शक्ल अच्छी नहीं आ रही। अब शक्ल जैसी है, देखो जैसी शक्ल है फोटो वैसी आएगी, वीडियो वैसी आएगी। ठीक है चलो। ये है और लोग बड़े मिस कर रहे थे आपको, सब कह रहे थे भैया व्लॉग कहाँ है कैसे नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो आज व्लॉग बना ही दूँ। लो भाई मम्मी। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। जब ये व्लॉग नहीं डालता मैं कहती रहती हूँ, ऐसे लगता है कि जिससे मिले ही नहीं है, तो मिला दिया कर यार, जल्दी जल्दी व्लॉग डाल दिया कर। आप लोग भी इसको बोलते रहा करो, है ना, तभी ये मेरे को लेगा, वरना मुझे लेता ही नहीं है। व्लॉग का क्या रहता है, काफ़ी टाइम से मैं ना दूसरी चीज़ में अभी बिजी हूँ, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तो उसके चक्कर में ना मैं ये वाला बनाना भूल गया, मतलब भूला गया, टाइम नहीं है। तो मेन बात ये थी ब्लॉग की, लेकिन अब धीरे धीरे वापस इस पर भी रिज्यूम कर रहा हूँ, ब्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा से। और एक और नया चैनल बनाया मैंने और वो अलग है बिल्कुल, तो उस पर थोड़ा सा काम चल रहा था इसलिए ब्लॉग डाल नहीं पाया। काफ़ी लोगों का फ़ोन आया मेरे को, मैसेज आया, मैसेज ज़्यादातर आए, दो तीन फ़ोन भी आया कि आप तुमने ब्लॉग डालने बंद कर दिए। मैंने कहा नहीं बंद नहीं करे, अभी थोड़ी देर के लिए रोक दिया, सबको लगा कि चैनल बंद कर दिया। मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं, जब 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद कौन बेवकूफ़ होगा, तो चैनल मतलब चैनल मोनेटाइज होने के बाद। लेकिन हाँ मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मुझे अपने फटाफट सब्सक्राइबर करने थे, तो हो गया फटाफट तो नहीं हुए, बहुत टाइम लगा करने में। मम्मी को बहुत लगा, असली दिमाग लगाया मम्मी ने बहुत लोगों से सब्सक्राइब करवा के हैं। मम्मी कभी कोई पार्क में मिल रहा है यार, तो बहुत लोगों ने हमसे प्यार किया, हमारा चैनल सब्सक्राइब किया एक बार के कहने से ही। हमने कहा देखा भी करो हमें और हमें राय भी दिया करो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमें आप लोग भी बता दिया करें, कोई गलती है तो बताएं आप हमें, आपको क्या अच्छा लगता है तो हम भी वो चीज़ भी दिखाएंगे जितना हमसे हो सकेगा, तो प्लीज़ हमारा मनोबल बढ़ाते रहा करें। आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ। वेरी गुड। तो प्यारे दोस्तों, आलू का पकौड़ा खा लिया, गोभी का खा लिया, प्याज का खा लिया, जैसे कि आपने सुना होगा मम्मी ने बोला था कि करेले का भी है। ये देखो इस उंगली पर नचाए घूम रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है खाने में कि करेला वैसे ही बहुत कड़वा रहता है, पकौड़ा पता नहीं मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगा कैसा होगा, तो एक बार ट्राई करते हैं। पहले मैं सोच रहा था इसको सॉस के साथ ट्राई करते हैं, लेकिन फिर अगर सॉस के साथ करूँगा तो फिर इसका टेस्ट थोड़ी आएगा, सॉस का टेस्ट ज़्यादा आएगा। तो अब ये देखो करेले का पकौड़ा ऐसा होता है दिखने में। अब पकौड़ा तैयार है, अब इसको खाते हैं, अब देखते हैं क्या रिएक्शन है, ठीक है, अपना ही किसी और का क्या अपना ही रिएक्शन है, ठीक है।
1 2 3 भगवान रक्षा करना, करेले का पकौड़ा है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। कड़वा है बहुत ज्यादा, मैं नहीं हारा। बस हवा निकल गई। बहुत बुरा था भैया एक्सपीरियंस, करेला का पकौड़ा आज के बाद नहीं खाना सच में, बड़ा कड़वा, बहुत ज्यादा कड़वा। ये यूवी की बॉल यहाँ फंसी हुई है और यूवी वहां बैठ के रो रहा है, क्या हुआ बताओ? तो आओ ना आज ले लो सारी बॉल, यहीं डाइनिंग के नीचे फंसा दी। ये 2 3 आ जाओ जल्दी आओ, लो बॉल लो अपनी, आओ आ जाओ यहाँ से, आ जाओ अबे यहाँ से, चल बैठ तो पहुंचा दिया, रुको मैं हेल्प करता हूँ थोड़ी सी, ये लो आ गए, यूवी ने निकाल दिया, फिर फंसा दी, यहाँ आ गई, लो आ गई बॉल, आ गई आ गई आ गई, फिर फंसा दी, चलो बच गई। ये बड़ी वाली तो नहीं निकालनी, मार मत मार मत मार मत, नहीं 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 नहीं, मेरा भाई होगा तो, मेरा भाई होगा तो भाग गया। अब पापा को जाना है कहीं बाहर और पापा जानबूझकर इसको बोल रहे हैं कि तुम इसके काम में लगा लो, लेकिन ये हमारे साथ आएगा थोड़ी, भाग्य वापस दादू के पास। ये मम्मी लोग अभी गुजरात घूम के आए थे तो उसकी ये सब वीडियो देख रहे थे इंस्टाग्राम पे, जो मम्मी ने वीडियो डाली है ना ये सब वो चल रही थी और मैं ये सब देख रहे थे, तो मैंने चुपचाप अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, मैंने कहा देखता हूँ जरा इनके रिएक्शन, तो अभी बस मैं ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था इन सब की, तो ये वो वीडियो है। दोबारा देखो 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 है शाम बड़ी दीपानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी, देखो देखो है शाम बड़ी दीपानी। ये मम्मी यार गुजरात गई थी घूमने, तो मैं ये मैं पूछना चाहता हूँ क्या हो क्या गया था आपको एकदम से, यूवी दादी को क्या हो गया था अभी बेटे? है मम्मी जरा बताना क्या हो गया था? अरे माहौल के ऊपर बात होती है, माहौल डांस का चल रहा है तो क्या चाहिए तुझे बताओ, हद हो गई, बताओ कुछ बुरा कराया मैंने डांस कराया तो? मुझे इतनी हंसी आ रही मम्मी का जो कैप लगा के ना, तो कैप लेके देखो देखो बड़ी हंसी आई हुई मेरे को, तो मैं अभी बैठा हुआ था जैसे मैंने आपको बता दिया, तो एकदम से जब इन्होंने वीडियो देखी मैंने कहा चलो वीडियो बनाता हूँ और दिखाता हूँ और भी कुछ है, भाभी और लगाना और देखो। ये ना मम्मी और मौसी और मामी ये सारे गए थे एकदम से, इनका भी एकदम से प्लान बना था जाने का मम्मी। ये क्या हुआ था जब मैं नीम करोली जा रहा था ना, तो तब ये कह रहे थे मेरे साथ चलने के लिए, तो मैंने कहा चलो, फिर इन्होंने बोला अगले हफ्ते चलेंगे, मैंने कहा भाई अगले हफ्ते तो नहीं, मैं तो फिर कल ही जाऊंगा, तो मैं चला गया, तो फिर इनको था कि हम भी कहीं चलते हैं, तो एकदम से इनका प्लान बना। तो इनका फिर एकदम से बना कि हम भी चल लेते हैं कहीं, तो फिर ये भी हो आए। तो मम्मी तो पहली बार, मम्मी तो फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठे थे ना आप तो? हाँ फर्स्ट टाइम मैं प्लेन में बैठी थी, लेकिन बड़ा अच्छा लगा प्लेन में बैठ के, अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा लगा, अच्छा। इनकी वीडियोस है, मैं सोच रहा हूँ एक व्लॉग बना के डाल देता हूँ, है ना, थोड़ी मोड़ी वीडियोस है वो एक बार देख लेते हैं अगर कहीं एडजस्ट हो पाए, और बाद में ना पीछे से वॉइस ओवर दे देंगे, फिर बीच बीच में मम्मी की वीडियो बना दूंगा। बता फोन अच्छा नहीं था और हमारा किसी का भी फोन अच्छा नहीं था वहाँ पे, और ज्यादातर क्या था कि बाकी सबके पास तो आईफोन है, मम्मी के पास ही नहीं था, मम्मी का फोन अच्छा है पर इन्होंने क्या कर रखा है, वो आते हैं ना सुबह गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सुबह की राम राम, और ये जो आते हैं
ये उससे भरा पड़ा है और उल्टी सीधी मतलब वैसी वीडियोस हैं कि जिनको कोई काम नहीं है। तो अब ये करना है, अब धीरे धीरे मम्मी का फोन भी ठीक करूंगा और अब मम्मी के लिए ब्लॉग बना के डालूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ब्लॉग था। थैंक यू सो मच, दोबारा से रीस्टार्ट कर दिया अपना, गाड़ी ट्रैक पे लानी है। अब करेंगे दोबारा, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, देखो क्या वीडियो चल गई थी। हाँ ये देखो, ये वीडियो पुरानी वाली चल गई है। ठीक है जी, मम्मी के साथ थोड़े खेलते हैं। ओके बाय बाय करते बेटा, गाइस को बाय करो, गाइस ये रे, बाय बाय, अपना फोन दिखा दे, बाय गाइस, अपना फोन तो दिखा दे। लौंडे के पास आईफोन एक्स है, ये देखो, कहेगा मेरा फोन दे दो, खुद कहता है फोन नहीं, कहता है मेरा आईफोन, मेरा आईफोन देख रहे हो लड़के को। चलो बाय बाय, गुड नाइट। लो जी गुड नाइट, सुन लो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। चलो बाय, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।